नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। चूरू सांसद राहुल कसवा के बाद प्रहलाद गुंजल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। छोटे बड़े नेता कतार में खड़े हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे समर्थक नेताओं ने बीजेपी को गुड बाय बोल दिया था। इसी वजह से इसको लेकर सियासत में कुछ लाइनें फिट बैठ रही हैं। वो कुछ इस प्रकार हैं कि कुछ उसकी बातें सुनी जाएं, कुछ उसे अपनी कही जाए, गलत फहमियों को दूर किया जाए और फिर से खुलकर जिया जाए। लेकिन इस वक्त सियासत में कोई भी अपनी गलत फहमियों को दूर करने को तैयार नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक वसुंधरा राजे के समर्थकों के बीजेपी को छोड़ने के लिए दो वजह है वो बता रहे हैं। पहली वजह अनदेखी और दूसरी वजह वसुंधरा राजे की चुप्पी। आपको बताते चले कि जब से वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा ने ली है, तब से राजे चुप्पी साधे हुए। सियासी जानकारों का कहना है कि राजे समर्थकों को अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है। कोटा संभाग के बड़े गुर्जर नेता प्रहलाद गुंजल ने साफ कहा है कि वसुंधरा राजे की अनदेखी से वे दुखी हैं। कोटा में एक ही परिवार की चलती है, ऐसे में वे बीजेपी से अपने 35 साल का नाता तोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। माना जा रहा है कि गुंजल को कोटा से ओम बिरला के सामने खड़ा किया जाएगा। राजस्थान की राजनीति में ओम बिरला को वसुंधरा राजे का धुर विरोधी माना जाता रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इसके लिए केंद्रीय मंत्री गजन सिंह शेखावत और डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रयास कर रही हैं। मानवेंद्र सिंह वसुंधरा राजे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। राजे विरोधी कैंप ये कतई नहीं चाहते हैं कि मानवेंद्र सिंह जैसों की घर वापसी हो। सियासी जानकारों का कहना है कि मानवेंद्र सिंह ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वे घर वापसी करेंगे। यदि ऐसा होता है कि वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ा झटका ये होगा कि जब उनके ही विरोधी पार्टी में शामिल होंगे, क्योंकि राजे विरोधी का एक बड़ा धड़ा और मजबूत हो सकता है। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी में एक बड़ा दड़ा है जो राजे के विरोधियों की वापसी नहीं चाहता है, इसीलिए राजे के समर्थक एक के बाद एक बीजेपी छोड़ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंधरा राजे को भले ही पार्टी आलाकमान ने सीएम नहीं बनाया हो, इसके बावजूद वसुंधरा राजे के कद काठी का नेता राजस्थान बीजेपी में नहीं है। वसुंधरा राजे की 36 कौम में पकड़ है। पार्टी को उनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है। फिलहाल वसुंधरा राजे चुप्पी साधे हुए हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद वसुंधरा राजे ने ऐसे कोई संकेत भी नहीं दिए हैं जिससे उनके समर्थकों का पलायन थम जाए। फिलहाल राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे कैंप के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के मिशन 25 पर ग्रहण लग सकता है। राजस्थान में बीजेपी नेताओं का हैट्रिक लगाने का दावा है, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस ने गठबंधन करके बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।